जनता पार्टी के टिकट की एक और लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में खास बात यह है, जो केसरी नाथ त्रिपाठी रहे हैं उनके बेटे नीरज को प्रयागराज से टिकट मिला है। बेहद महत्वपूर्ण सीट है ये। इसके अलावा गाजीपुर की सीट पे बड़ा फैसला आया है और यहाँ पारसनाथ राय को टिकट मिला है। पारसनाथ राय के बेटे जो है आशुतोष राय, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि कैसरगंज सीट जो कि ब्रजभूषण सिंह की है उस पर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन कुछ टिकट जो बीजेपी ने जारी किए हैं उससे तमाम क्षेत्रों में जो है कुछ को झटका लगा है, तो कुछ लोगों के अंदर खुशी की लहर है, उनके समर्थक बेहद खुश हैं। बलिया में उपेंद्र तिवारी को बड़ा झटका लगा है। उपेंद्र तिवारी बड़ी उड़ान भर रहे थे लेकिन पार्टी ने उनके अरमानों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो बलिया सीट से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम है नीरज शेखर। नीरज शेखर बड़े नेता माने जाते हैं बलिया क्षेत्र के खास तौर से, लेकिन यहाँ उपेंद्र के अरमानों पर पानी फिर गया है और इस बार कमल के फूल के साथ मैदान में जो आएंगे उनका नाम नीरज शेखर है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनको पार्टी ने मैनपुरी से टिकट दिया है। जयवीर सिंह चाहते थे कि उन्हें टिकट फिरोजाबाद से मिले, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया और उन्हें मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो बीजेपी के एक और उम्मीदवार मैनपुरी से जयवीर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा जो सीटें बची हैं अब, उसमें कैसरगंज, भदोही, देवरिया और फिरोजाबाद की सीट है। यहाँ पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और जो लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं वो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक चक्कर काट रहे हैं। कैसरगंज वही सीट है जहाँ सांसद ब्रजभूषण सिंह हैं, जो कि खासे विवादों में घिरे रहे हैं। उनको लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर ब्रजभूषण सिंह को टिकट मिलेगा या कटेगा। फिलहाल अभी इस पर डिसीजन नहीं हो सका है और जैसे ही फैसला आएगा तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो स्टोरी पर आपको इसकी अपडेट भी मिल जाएगी।